वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार बगैर प्रोटोकॉल के तौंसा पहुंचे और इलाके में कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती इकदामात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में आवाम का तआवुन दरकार है। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार बगैर प्रोटोकॉल तौंसा पहुंचे, जहां उन्होंने शहर में दफा 144 पर अमल दरामद के हवाले से इकदाम का जायजा लिया और शहरियों से घरों में रहने की अपील की है। इस मौके पर उस्मान बुज़दार ने कहा कि कोरोना से बचना है तो शहरी बिला जरूरत घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि कोरोना के खिलाफ जंग आवाम के तआवुन से ही जीती जा सकती है, इसलिए मौजूदा सूरत हाल एहतियात की मुतकाजी है। उन्होंने कहा है कि आजमाइश की इस घड़ी में अपनी जान हथेली पर रखकर मुतासरा मरीजों का इलाज करने वाले हकीकी मसीहा हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने मजीद कहा कि इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारे मौजूदा सूरत हाल में मिसाली किरदार अदा कर रहे हैं। कोरोना के खर्चे के बावजूद दिल जमी से फराइज अंजाम देने वाले अफसरान और अहलकारों को सलाम पेश करते हैं। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि माशी सूरत हाल पर पूरी नजर है और हुकूमत नादार तबके को तनहा नहीं छोड़ेगी। इंसाफ इमदाद प्रोग्राम के जरिए बयक वक्त लाखों खानदानों की माली इमदाद कौमी रिकॉर्ड है।